गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी मार्केट टारगेटिंग। नाउ टू अंडरस्टैंड द टारगेटिंग प्रोसेस, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म टारगेट मार्केट। व्हाट इज टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट रेफर टू डेट पार्टिकुलर मार्केट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप विच इज सिलेक्टेड और आइडेंटिफाइड बाय मार्केटर्स to tap it. All marketing plan and strategies are made according to this target market to generate revenue, which will help firm to increase market share and profitability. Target market क्या होता है? Target market एक वो particular market होता है जहाँ पे जो कस्टमर का ग्रुप होता है, जितने कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो टारगेट मार्केट से अपने जो भी प्रोडक्ट हैं वो परचेस करते हैं। और जो कंपनी होती है, जो बड़े बड़े फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है, कंपनी होती है, जब वह अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक सबसे पहले एक मार्केट को टारगेट करती है, एक ग्रुप को टारगेट करती है, एक कस्टमर को टारगेट करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सी क्लास के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी क्लास के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगा, वो कौन सी जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, उसे हम मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। नो देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग? टारगेटिंग की प्रोसेस क्या होती है? तो इन द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग दे आर थ्री पॉइंट्स कंक्लूडेड। फर्स्ट वन इज़ इवेल्यूटिंग द मार्केट सेगमेंट, सेकेंड वन इज़ सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट, एंड थर्ड वन इज़ एडिशनल कंसिडरेशन। फर्स्ट वन इज़ इवेल्यूटिंग द मार्केट सेगमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वो मार्केट का सेगमेंट है जहाँ पे हम हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका इवेल्यूशन करते हैं। इवेल्यूशन कैसे होता है? हम देखते हैं कि जो ये मार्केट है वहाँ पे हम जाके सर्वे करते हैं, हम पूछते हैं लोगों से कि उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। जब कस्टमर है, जब वो हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं कि उनको कैसी डिमांड है प्रोडक्ट की, इस तरह से हम मार्केट सेगमेंट में जाके इवेल्यूशन करते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट। व्हाट इज सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट? हियर कंपनी इज हैविंग सिंगल प्रोडक्ट एंड फोकस इज ऑन सिंगल मार्केट। इट्स एप्लीकेबल फॉर दोज सेलर विच हैज स्मॉल मार्केट एंड लिमिटेड डिमांड इन द मार्केट। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन में क्या होता है कि इसमें एक ही प्रोडक्ट होता है और एक ही मार्केट में वो लोग फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश सेलर इन विलेज हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फिश एंड सेल इज वन विलेज ओनली। जो फिश सेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक सिंगल टाइप की फिश ही उस और एक सिंगल एरिए में ही वो अपनी फिश को सेल करते हैं। तो ये सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन होता है सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट। जब हम मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, मतलब एक ही प्रोडक्ट और सिंगल मार्केट। सेकंड वन इज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि हियर कंपनीज आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट एंड मल्टीपल मार्केट। व्हाट हैपनिंग इन सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन? हियर द कंपनीज आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट एंड मल्टीपल मार्केट, बट दे सिलेक्ट सम स्पेसिफिक मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट भी बहुत सारे होते हैं, मार्केट भी अलग अलग मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किंतु क्या है कि उनके जो वो कुछ एक स्पेसिफिक मार्केट को सिलेक्ट करके ही वो उसमें अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल कौन सा, जो एप्पल कंपनी है उसने किस तरह से अपना प्रोडक्ट को बनाया और सेल करा है। उन्होंने बिजनेस क्लास के लिए लैपटॉप बनाया, म्यूज़िक लवर्स के लिए आईपॉड बनाया और फ़ोन यूज़र्स के लिए आईफोन बनाया।
तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन. देन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. वॉट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन? हियर द फर्म स्पेशलाइज इन मार्केटिंग अ सर्टन प्रोडक्ट दैट इट सेल्स टू सेवरल मार्केट. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया का फ़ोन. नोकिया कंपनी ने क्या करा है कि उसने सबसे कम प्राइस में नोकिया 1100 मोबाइल मार्केट में उतारा एक पर्टिकुलर क्लास को लेके. बिजनेस क्लास के लिए नोकिया ने क्या करा, नोकिया ने ई सीरीज का जो अपना मोबाइल है वो लॉन्च करा. और जो म्यूज़िक लवर है उनके लिए नोकिया एक्स सीरीज. तो दीज आर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. देन व्हाट इज़ मार्केट स्पेशलाइजेशन? मार्केट स्पेशलाइजेशन हियर फर्म कंसंट्रेट ऑन सर्विंग मैनी नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप और मार्केट्स विथ फोकस्ड स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जाम्पल जॉनसन एंड जॉनसन फॉर बेबीज ओनली. मार्केट स्पेशलाइजेशन में क्या है कि इसमें जो कंपनी है एक पर्टिकुलर क्लास को लेके ही प्रोडक्ट बनाती है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने भी सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन. जॉनसन एंड जॉनसन क्या है, सिर्फ बेबीज़ प्रोडक्ट बनाता है, बेबीज़ पाउडर, बेबीज़ सोप, बेबीज़ शैम्पू एक्सेट्रा. तो दीज आर मार्केट स्पेशलाइजेशन. देन आता है आपका फुल मार्केटिंग कवरेज. फुल मार्केटिंग कवरेज में क्या होता है कि हियर फर्म सर्व ऑल कस्टमर ग्रुप विथ मल्टीपल प्रोडक्ट. उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि दे फोकस टू वर्ड्स कैप्चरिंग ऑल मार्केट विथ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. इनके फुल मार्केटिंग कवरेज में कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, कोको कोला, किनले, फेंटा. इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने पूरा मार्केट कवर कर रखा है. देन इसमें एक चीज़ आती मेन है टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज़. तो टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज़ तीन तरह की होती है, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड फोकस्ड. अनडिफरेंशिएटेड में क्या होता है कि अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी सेम प्रोडक्ट इज़ ऑफर्ड टू ऑल मार्केट सेगमेंट विथ कॉमन स्टैंडर्डाइज फीचर विदाउट कीपिंग एनी डिफरेंस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस अमंग कस्टमर. अनडिफरेंशिएटेड जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोक्स एंड पेप्सी. ये ऐसे प्रोडक्ट है जिन्होंने क्या है कि पूरे इन्होंने हर मार्केट सेगमेंट को कवर कर रखा है और इनमें इनके जो प्रोडक्ट की टेस्ट होता है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए इनको अनडिफरेंशिएटेड बोला गया है. देन आता है आपका डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फर्म डिफरेंशिएट इस प्रोडक्ट फॉर ऑल सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट ऑफ दैट सेगमेंट. डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जिसको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जिसकी जैसी नीड्स है, जिसकी जैसी वांट्स है, जिसकी जैसी डिमांड है, उसके लिए उस हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाया जाता है. इसमें एग्जाम्पल आपका एयरलाइंस का हो गया. जो हायर क्लास है उनके लिए फर्स्ट क्लास टिकट है, जो बिजनेस क्लास फैमिली है उनके लिए बिजनेस क्लास टिकट है, और जो इकोनॉमी में सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए इकोनॉमिक क्लास बनाया गया. मतलब अलग अलग क्लास के हिसाब से उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है. देन कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी. कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी. हियर द कोर कंसेप्ट एंड इट्स स्ट्रेटजीज रिमेन द सेम बट डिफरेंशिएशन इज मेड टू टेक इनटू अकाउंट स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप रिक्वायरमेंट. हियर बेसिक प्रोडक्ट इज सेम बट माइनर डिफरेंसेस आर क्रिएटेड टू ऑफर वेराइटी इन सेम प्रोडक्ट लाइन. कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट सेम होता है किंतु प्रोडक्ट में ही स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके उसे लॉन्च करते हैं. इसका आपका एग्जांपल हो गया मारुति. मारुति का आपने देखा होगा कि मारुति जेन आई थी जो कार, उसमें मारुति जेन कार सेम थी किंतु उन्होंने हल्का हल्का उसमें क्या मॉडिफिकेशन करा कि जेन LXi, जेन VXi, जेन ZXi. इस तरह से उन्होंने
उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट सेम था किंतु स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अपनी कार को मार्केट में लॉन्च करा। ओके, नो थैंक यू।